तो दोस्तों एक लंबी ब्रेक के बाद मैं वापस आ चुका हूं और आपके लिए लेके आया हूं एक धमाकेदार स्मार्टफोन और वो है Xiaomi की तरफ से Redmi Note 10 Pro Max। और इसी वीडियो को हमने इंग्लिश में भी बनाया, तो अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हो तो फिर एक कार्ड ज़रूर आ जाएगा, तो ज़रूर वहां पर जाकर क्लिक कर लीजिएगा। लेकिन मुझे लगता है कि Xiaomi की तरफ से Redmi Note 10 Pro Max एक जंग का ऐलान है दूसरे ब्रांड्स के लिए, क्योंकि अगर आप Redmi Note 10 Pro Max के स्पेक्स को पिछले साल के Redmi Note 9 Pro Max के साथ कंपेयर करोगे तो काफ़ी तगड़े अपग्रेड्स किए गए हैं। आपको अभी मिल जाता है एक 120 हर्ट्ज़ का सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 108 मेगापिक्सल का हाई रेजोल्यूशन कैमरा, 5 MP का मैक्रो विथ 2x टेलीफोटो, और उसके साथ ही साथ आपको स्टीरियो स्पीकर्स, हाई रेस ऑडियो और पतला डिज़ाइन भी, काफ़ी लंबा लिस्ट है। अब देखो स्टार्टिंग प्राइस भी यहाँ पे बढ़ा दिया गया है, लेकिन हमें इस पूरे पैकेज के वैल्यू को जानने की कोशिश करनी चाहिए। मेरा नाम है एशाद, आप देख रहे हो माई स्मार्ट प्राइस। चलिए वीडियो का आरंभ करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बिना भूले वो रेड सब्सक्राइब बटन को दबा देना और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबा देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी माई स्मार्ट प्राइस में हम एक नया वीडियो अपलोड करेंगे। सीधा स्टार्ट करते हैं। जो सबसे बड़ा अपग्रेड, सबसे बड़ा फीचर है यहाँ इस फोन की, ये 6.67 इंच सुपर एमोलेड 120Hz डिस्प्ले। आपको बता देता हूँ, पिछले महीने तक सबसे सस्ता 120Hz एमोलेड फोन गैलेक्सी S20 FE था। पिछले मंथ Realme ने Realme X7 Pro लॉन्च किया था 30K में 120Hz AMOLED के साथ। खैर वापस इस फ़ोन पे आ जाते हैं, तो यहाँ आपको वाइडबैंड L1, HDR10, HDR10 Plus और HLG सपोर्ट भी मिल जाता है। और HDR वीडियोस देखते वक्त ये स्क्रीन 1200 nits की ब्राइटनेस टच कर सकती है। डिटेल टेस्टिंग हम हमारे फुल रिव्यू के टाइम करेंगे, बट अभी मैंने S21 Ultra के साथ यहाँ पे HDR वीडियो कंपेरिजन करके देखा। ऑब्वियसली S21 Ultra में थोड़े बेटर कलर ट्यूनिंग और डायनेमिक रेंज है, बट Note 10 Pro Max ब्राइटनेस के मामले में काफ़ी करीब था, और इसका प्राइस देखते हुए ये एक काफ़ी बड़ी बात है। नॉर्मल यूसेज में भी Note 10 Pro Max की ब्राइटनेस काफ़ी इंप्रेसिव है, प्लस यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मिल जाती है। पर यही नहीं, ये जो पंच होल Xiaomi ने यहाँ पे डाला है देखने में तो अभी तक का सबसे छोटा कटआउट लग रहा है मुझे। इनफैक्ट S21 Ultra के पंच होल कटआउट से डेफिनेटली छोटा है ये। अब तो आप जान गए होंगे कि मैं Redmi Note 10 Pro Max के डिस्प्ले को ₹1,00,000 के फ़ोन के साथ कंपेयर करता आ रहा हूँ, लेकिन तब भी ये डिस्प्ले एक्चुअली थोड़ा बहुत मैच कर जाता है। ऑफ कोर्स फ्लैगशिप क्वालिटी लेवल का तो है नहीं, लेकिन इस प्राइस रेंज में ऐसा डिस्प्ले मुझे कोई और फ़ोन में दिखा नहीं। हालांकि जो 120Hz स्क्रोलिंग है वो यहाँ उतनी स्मूथ नहीं है, थोड़ी सी स्टटरी लगती है, और Mi 11 की तरह ही कॉर्नर्स पे जो बेजल है यहाँ वो अजीब से आउट ऑफ सिमेट्री लगते हैं, पर ये बहुत छोटी कमियाँ हैं। AMOLED पैनल और चिप ऑन फिल्म COF टेक्नोलॉजी यूज़ करने का एक फ़ायदा है ये कि अब जो चिन हमें यहाँ पे मिलती है काफ़ी पतली हो गई है, और ओवरऑल फ़ोन भी Redmi Note 9 Pro Max के मुकाबले काफ़ी स्लिम हो गया है। 8.1 mm की थिकनेस और 190 ग्राम का वेट, ये शायद पिछले 1-2 सालों में Xiaomi का सबसे कम्फर्टेबल फ़ोन है। Xiaomi ने इस बार इवॉल्व डिज़ाइन का यूज़ किया है और ये अपनी प्राइस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम दिखता है। जो कैमरा मॉड्यूल है वो काफ़ी हद तक Mi 11 के जैसा दिखता है, पर यहाँ पे 2-स्टेप मॉड्यूल यूज़ किया है Xiaomi ने, जैसे हमें Vivo X50 Pro में मिला था। दिखने में तो अच्छा लगता है, पर फ्लैट सरफेस पे रख के फ़ोन थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। इनफैक्ट बॉक्स में मिलने वाले कवर को यूज़ करके भी ये सही से बैलेंस नहीं होता है, और ये ब्लैक वेरियंट में जो ग्लॉसी बैक हमें मिलती है बहुत ईजिली फिंगरप्रिंट्स और स्मजेस दिखने लगते हैं। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप फ्रॉस्टेड बैक कलर वाले वेरिएंट को पिक करो। खैर आगे पीछे दोनों साइड आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। बाकी डिज़ाइन में कोई कमी नहीं छोड़ी है Xiaomi ने, आपको 3.5mm जैक, प्रॉपर स्टीरियो स्पीकर्स, टाइप सी पोर्ट, IR ब्लास्टर सब मिल जाता है, प्लस 2 SIM और एक माइक्रो SD कार्ड डालने के लिए ट्रिपल कार्ड स्लॉट भी है। Note 10 Pro Max और Note 10 Pro में जो एक डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ का 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा। अब सिर्फ इसके लिए आपको 3000 एक्स्ट्रा देने चाहिए या नहीं, ये मैं बहुत जल्द ही एक डिटेल कैमरा टेस्ट में आपको बताने वाला हूँ, पर अभी के लिए मैंने कुछ सैंपल्स लिए हैं और कुछ मेन पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। सेल्फी परफॉर्मेंस काफ़ी इंप्रूव लग रही है, मेन कैमरा से नेचुरल कलर, शार्प डिटेल्स और बढ़िया डायनेमिक रेंज मिल रही है, लेकिन और ज़्यादा टेस्ट करना पड़ेगा मुझे। लो लाइट परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी लग रही है अभी तक तो। वीडियो रिकॉर्डिंग आप 4K 30 FPS तक कर सकते हो, पर 4K 30 और 1080p 60 में हमें कोई स्टेबलाइजेशन नहीं मिलता है। 1080p 30 FPS पे EIS मिल जाता है। मैक्रो कैमरा में हमें टैप टू फोकस मिलता है और आप 1x to 2x जूम कर सकते हो बढ़िया मैक्रो शॉट्स के लिए। ओवरऑल Redmi Note 10 Pro Max का कैमरा सेटअप काफ़ी इंप्रेसिव सा लग रहा है। आप बता दीजिएगा आपको कौन से फोन्स के साथ हमें कंपेयर करना चाहिए कमेंट सेक्शन में।
तो हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे। अब आ जाते हैं सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल पार्ट पे। तो नोट 10 प्रो मैक्स में हमें 732G चिप मिलती है, जो अब अंडर 20 की सबसे पावरफुल चिप नहीं है, ना ही इसमें 5G है। अब इस डिसीशन से कितना फर्क पड़ता है फोन के ओवरऑल यूजेज पे, ये मैं फुल रिव्यू में आपको बताऊंगा। बट अभी के लिए ये फोन पोको X3 जितना ही स्मूथ लगा, जिसका मतलब है कि यहाँ भी MIUI 12 की हैवी एनिमेशंस कभी कभी थोड़ा परफॉर्मेंस अफेक्ट करती है। 120 हर्ट्ज़ के हिसाब से स्मूथनेस बाकी सॉफ्टवेयर स्किन्स में मिलती है, वो यहाँ थोड़ी मिसिंग है। पर 20K का फ़ोन है, इसमें आप कितना ही एक्सपेक्ट करोगे आप। और इस टाइम जो बाकी कॉम्पिटिशन है इस रेंज में, उससे तो काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा है। यहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी यहाँ पे हाई ग्राफिक्स पे 60 FPS या फिर वेरी हाई ग्राफिक्स पे 40 FPS पे चल जाता है। आगे बढ़ते हैं और फ़ोन के स्टीरियो स्पीकर्स और हेडफोन जैक से आउटपुट दोनों मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ प्रॉपर स्टीरियो सेटअप है, ना कि ईयरपीस के थ्रू, और दोनों साइड से काफ़ी बराबर का साउंड आता है। हेडफोन जैक को भी फायदा मिल जाता है हाईरेस ऑडियो सपोर्ट का। Redmi Note 10 Pro Max में हमें MIUI 12 बेस्ड ऑन Android 11 मिलता है। फीचर्स यहाँ पे भरे पड़े हैं और एनिमेशंस भी देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। Xiaomi ने काफ़ी डुप्लीकेट ऐप्स रिमूव भी कर दी हैं। अब जैसे मी ब्राउजर, मी डायलर, ये सब हमें नहीं मिलता है। फिर भी कुछ थर्ड पार्टी ऐप्स अभी भी प्री इंस्टॉल्ड है, जैसे फेसबुक, नेटफ्लिक्स एंड लिंक्डइन। तो भैया मुद्दे वाली बात पे आ जाते हैं। Xiaomi ने डेफिनेटली प्राइस बढ़ा दिया है Redmi Note 10 Pro Max का, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप इस मुद्दे को गलत नज़रिए से देख रहे हो, क्योंकि आप नाम पे मत जाओ, स्पेक्स को जांच करो, और उसमें आपको पता चल जाएगा कि Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max का जो स्पेक्स है वो एक्चुअली Mi 10i के साथ मैच हो जाता है। और Mi 10i में आपको मिल जाता है एक 750G प्रोसेसर विद 5G, वो तो मतलब जानने वाली बात है। एंड ऑफ कोर्स आपको Redmi Note 10 Pro Max में मिल जाता है एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले कंपेयर टू IPS LCD। और इसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि जो 19,000 का स्टार्टिंग प्राइस है, 19,000 का स्टार्टिंग प्राइस है, वो एक्चुअली एक ऑनेस्ट प्राइसिंग है। और अब अगर रही बात 5G की ना होने की Redmi Note 10 Pro Max में, तो मैं ये कहूँगा कि हम हमारे फुल रिव्यू में बताएंगे कि हमारे विचार क्या है उसके बारे में। लेकिन आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपको क्या 5G ना होने के कारण Redmi Note 10 Pro Max पसंद नहीं आया, ज़रूर बताइए कमेंट्स में। और हमें ये भी पता है कि Redmi Note 10 Pro ज़्यादा वैल्यू लगता है, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट उसमें आपको 16,000 में सारे Redmi Note 10 Pro Max के फीचर्स मिल जाते हैं, एक्सेप्ट फॉर सिर्फ 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। तो हम क्या करेंगे, हम एक्चुअली कैमरा कंपैरिजन कर लेंगे दोनों के बीच में और ढूंढ लेंगे कि क्या 3,000 ज़्यादा देकर आपको Redmi Note 10 Pro Max खरीदना चाहिए या फिर कम देकर Redmi Note 10 Pro खरीदना चाहिए। पर मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि Xiaomi ने यहाँ पर काफ़ी सोच समझ कर इस फ़ोन को बनाया, ताकि आपके पूरे पैसे वसूल हो जाए। और अगर आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं, वो हम ज़रूर बताएंगे हमारे फुल रिव्यू में, जो जल्द ही ड्रॉप होने वाला है। मेरा नाम है इरशाद, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय एंड गॉड स्पीड माई फ्रेंड्स।